बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा प्यार, मेरी दुआएं आप सबके लिए। तो आज मैं जो आपको रेसिपी दे रही हूँ, ड्रिंक की रेसिपी, और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने सोचा आज चलो दे ही दूँ। इसका नाम है मैंगो मस्तानी। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये कितनी आसान है और इतनी मज़े की, मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ जी। इसके लिए मैंने हाफ कप मैंगो की प्यूरी ली है। अगर आप मैंगो है फ्रेश तो आप उसकी प्यूरी बना सकते हैं और उसके छोटे छोटे चंक भी कर लें, क्योंकि वो डलते हैं। लेकिन मैंने, मेरे पास चूंकि फ्रेश मैंगो नहीं था, इसलिए मेरे मैंगो प्यूरी मेरे पास है थी वो, तो मैंने वो लेके हाफ कप के लिया। और जो जो चीज़ें डलती हैं मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ जी। ये मैं अब इसमें मैंगो की प्यूरी डाल देती हूँ। हाफ कप, एक कप इसमें दूध डालना, और मैंने एक कप दूध डाल दिया, हाफ कप मैंगो प्यूरी। अब इसमें चीनी डलती है, लेकिन मैं चीनी डालूंगी, मैं सिर्फ 1 टेबलस्पून रूफ्सा डालूंगी। ये होम मेड रूफ्सा है जो मैंने खुद घर में बनाती हूँ। अब आपको मैं, और इसके अंदर बर्फ डालती हूँ, इसको मैं शेक करके आपको दिखाती हूँ जी। ये देखिए, क्रश बर्फ भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और मैं इसको शेक करती हूँ। अब मुझे ऐसे गिलास में डालना है जो ऊपर से खुले मुँह वाला हो, ठीक है। अब मैं इसमें गिलास में डाल के आपको दिखाती हूँ, इसलिए कि इसमें कम से कम 1 इंच का खाली होना चाहिए गिलास, इसलिए कि इसमें वनीला आइसक्रीम भी डलती है और ऐसे स्कूप आइसक्रीम का जगह होनी चाहिए। ये पिस्ता, बादाम और काजू, ये सब मैंने क्रश करके रखे हैं और ये इसके ऊपर डालने हैं हमको। लीजिए, ये पहले तो इसको बहुत ज़्यादा बर्फ डाल के इसको आपने शेक करना है, ये चिल्ड बिल्कुल हो जाएगा। फिर उसके बीच में एक आइसक्रीम का स्कूप वनीला आइसक्रीम और पिस्ता, बादाम और काजू क्रश कर डालना है। और मेरे पास मैंगो फ्रेश नहीं था, इसे मैंगो की चंक भी डालते हैं। तो लीजिए, मैंगो मस्तानी तैयार है। बहुत ज़बरदस्त ओरिजिनल रेसिपी मैंने आपको दी है, ये आप एक दफ़ा पियेंगे तो आप याद करेंगे क्या चीज़ है, और घर में मेहमान आएंगे वो तो वाह वाह करेंगे और आपकी खूब वाह वाह होगी। तो ठीक है, इसको बनाएं और पिए और फिर मुझे बताएं कि आपको कैसा लगे। ज़बरदस्त, बच्चों बड़ों सबका फेवरेट। तो ये आप एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिएगा। जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना रिदा के किचन में। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट, इसलिए मुझे लगता है कि आज सब लोग खुश हो जाएंगे जब ये उनको मैंगो मस्तानी की रेसिपी मिलेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट से ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।